नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने कहा, ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से संबंधित आदेश दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। दक्षिणी राज्यों में पटाखे चलाने के लिए समय सीमा में छूट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दूरदर्शन समाचार की टीम पर नक्सली हमला, दो पुलिसकर्मियों सहित तीन लोग शहीद। इटली के प्रधानमंत्री जुसेप्पे कोंते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच विपक्षीय वार्ता जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन कोचीन शिपयार्ड में देश की सबसे बड़ी सूखी गोदी का शिलान्यास करेंगे। और इंडोनेशिया में तलाश और बचाव बलों ने कल जावा समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का मलबा खोजा। विमान में 189 यात्री सवार थे। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उच्चतम न्यायालय ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक रखने के अपने पहले के आदेश में बदलाव किया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए समय बदला जाएगा, लेकिन इसकी अवधि 2 घंटे से अधिक नहीं होगी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की व्यवस्था दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए दी गई थी, न कि पूरे देश के लिए। शीर्ष न्यायालय तमिलनाडु सरकार और पटाखा निर्माताओं की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 23 अक्टूबर के अपने आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष न्यायालय से राज्य की परंपरा के अनुसार दिवाली पर सवेरे पटाखे फोड़ने का आग्रह किया था। उच्चतम न्यायालय ने बिहार पुलिस से पूछा है कि आखिर राज्य की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को अवैध हथियार रखने के आरोप में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। राज्य पुलिस द्वारा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के सिलसिले में उनके बेगूसराय स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी के दौरान वहां से अवैध हथियार बरामद किए गए थे। न्यायमूर्ति एमबी लोकुर, एस ए नजीर और दीपक गुप्ता की पीठ ने आज सुनवाई के दौरान शेल्टर होम कांड के प्रमुख आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पंजाब की पटियाला जेल भेजे जाने का भी आदेश दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में दूरदर्शन समाचार का एक कैमरामैन और दो सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दूरदर्शन समाचार के 3 लोगों की एक टीम आज चुनाव कवरेज के लिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके में गई हुई थी। जिला पुलिस बल की एक टीम इनकी सुरक्षा के लिए तैनात थी। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर नीलवाया के जंगलों में माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया। पुलिस जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में दूरदर्शन न्यूज के कैमरामैन अच्युतानंद साहू, एक एएसआई रुद्र प्रताप सिंह और एक कांस्टेबल मंगल राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस के 2 अन्य जवान घायल हो गए। बस्तर रेंज के डीआईजी ने बताया है कि अतिरिक्त पुलिस बल तत्काल मौके की ओर रवाना किया गया है और सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने दूरदर्शन के कैमरामैन और अन्य 2 पुलिसकर्मियों के नक्सली हमले में शहीद होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जान गई है, उनके परिवार के साथ हम सभी आज खड़े हैं। इस मुश्किल वक्त पर हम उनके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे और साथ ही जितने भी मीडिया कर्मी हैं और जितने भी लोग जो ऐसे खतरनाक जगहों पर जहां जाते हैं उसको कवर करते हैं, मैं आज उनको याद करता हूं और उनके शौर्य को याद करता हूं कि वो वहां जाकर देश भर को वहां की इतला देते हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने भी दूरदर्शन के कैमरामैन और सुरक्षाकर्मियों के नक्सली हमले में शहीद होने पर दुख व्यक्त किया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शेखर वेम्पति ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की कवरेज में तैनात दूरदर्शन की बहादुर टीम के प्रति एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जुसेप्पे कोंते नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। इसमें आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कोंते का गर्मजोशी से स्वागत किया।
इटली के प्रधानमंत्री श्री कोंते आज सवेरे एक दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। दोनों नेता आज बाद में भारत इटली प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ ने मिलकर किया है। जापान ने भारत में 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 316 अरब येन का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। इनमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना तथा दिल्ली पूर्वोत्तर और चेन्नई की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नेतृत्व में कल टोक्यो में 13वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद ये घोषणा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। चली 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 सेहत की हवा, चली चली मुक्त होगा इलाज मिलेगी दवा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आरंभ के पहले ही महीने में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों ने विभिन्न सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है। आप बीमार और नहीं लाचार, बीमारी का हो रहा मुफ्त उपचार। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल करें। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज कोचीन शिपयार्ड में देश की सबसे बड़ी सूखी गोदी का शिलान्यास करेंगे। इस गोदी से सागरमाला के तहत मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय जहाज निर्माण क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़कर 2% हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 310 मीटर लंबी और 75 मीटर चौड़ी इस गोदी के निर्माण पर करीब 18 अरब रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना के मई 2021 में पूरा हो जाने की उम्मीद है। इससे करीब 2000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। कोचीन शिपयार्ड में सूखी गोदी की सुविधा होगी और इसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी रूप से उन्नत जहाज बनाए जाएंगे, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए विमान वाहकपोत के अलावा तरल प्राकृतिक गैस वाहकपोत, ड्रिलिंग तथा उन्नत अनुसंधान में काम आने वाले जहाज शामिल हैं। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर कोच्चि दक्षिण पूर्व एशिया में हर तरह के जहाजों की मरम्मत की सुविधा वाला प्रमुख केंद्र बन जाएगा। कोच्चि से एनसी जयचंद्रन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो गांवों को सड़कों से जोड़ती है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,67,00,000 बस्तियां जुड़ी हैं। पेश है हमारी मुंबई संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। देश के ग्रामीण इलाके की सड़कें सही मायने में ग्रामीण विकास का अभिन्न अंग है। यह सड़कें आर्थिक तथा सामाजिक ढांचागत सेवा तथा सुविधाएं पहुंचाने का काम करती है, जिसके कारण कृषि उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अधिक अवसर भी प्राप्त होते हैं। गांव में रहने वाले अनगिनत नागरिक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कोल्हापुर के कृष्णा छेवरे ने हमें बताया। मैं पन्ना तहसील के देवठाने गाँव का रहवासी हूँ। ग्राम सड़क योजना से हमारे गाँव में अच्छे रास्ते हो गए हैं। इसके पहले कच्चे रास्ते होने के कारण कई दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। अब गांव में रास्ते अच्छे होने के कारण एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वैन आदि मदद गांव में जल्दी मिलने लगी है। योजना की सफलता को देखते हुए यह कहना सही होगा कि यह योजना सही मायने में देश को जोड़ने का काम कर रही है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नड्डा ने असम में काजीरंगा में स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छी पद्धतियों और नवाचार के बारे में 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों से अपेक्षाओं से बढ़कर काम करने को कहा है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में श्री नड्डा ने कहा,
हम इसके तहत एक महीने में 1,50,000 से अधिक लाभार्थियों की मदद कर पाए हैं। इस दौरान 190 करोड़ रुपए के बिल आए थे, उनमें से 150 करोड़ रुपए के बिलों को स्वीकृत कर उनका भुगतान कर दिया गया। यह सब आईटी एप्लीकेशंस की मदद से किया गया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रारूप इस तरह से तैयार किए जाने पर जोर दिया है जो देश के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा आर्थिक वृद्धि और सामाजिक बदलाव का एक प्रमुख साधन है। नई दिल्ली में आज फिक्की उच्चतर शिक्षा सम्मेलन 2018 का उद्घाटन करते हुए श्री प्रभु ने कहा कि उच्चतर शिक्षा के लिए और विश्वस्तरीय संस्थान बनाए जाने की आवश्यकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। जी बेटा, एक काम करो, ये कागज के टुकड़े बिस्तर पर फेंक दो और जो कचरा बच जाए उसे दरवाजे के आगे डाल दो। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? क्यों, अजीब लग रहा है? जब तुम सड़क पर कचरा फेंकते हो, कहीं भी थूक देते हो, तब अजीब नहीं लगता? आखिर शहर भी तो अपना ही है। जब हम शहर को गंदा कर सकते हैं तो घर को क्यों नहीं? बाबा, मैं समझ गया। अब से मैं कचरा कूड़ेदान में ही डालूंगा और कहीं भी गंदगी नहीं फैलाऊंगा। और ये बात मैं अपने सभी दोस्तों को भी सिखाऊंगा। आओ अब जिम्मेदार बने और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में सबसे ऊपर ले जाए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के बचाव दलों को कल सवेरे जावा समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का मलबा मिल गया है। इस विमान में 189 यात्री सवार थे। राष्ट्रीय तलाश और बचाव एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद सियोजी ने कहा कि इन हिस्से पुर्जों की पहचान और डीएनए परीक्षण के लिए इन्हें जकार्ता ले जाया जाएगा। पांगल पिनांग शहर जाते समय कल सुबह लगभग 6:30 बजे इस विमान का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे। 182 मीटर ऊंची श्री पटेल की प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के निकट साधु बेट द्वीप पर बहुत ही कम समय में तैयार की गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में 31 अक्टूबर 2013 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित करने का समारोह सरदार पटेल को उनकी 149वीं जन्म जयंती पर विशेष श्रद्धांजलि होगी। करीब 3 घंटे चलने वाले इस समारोह के अनेक आकर्षण होंगे। MI-17 चौपर का दल सरदार पटेल के स्टैच्यू पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न राज्यों की मिट्टी और लोहे से स्टैच्यू के पास बनाई गई वॉल ऑफ यूनिटी का भी उद्घाटन करेंगे। सरदार पटेल के जीवन और कार्य को प्रदर्शित करने वाला म्यूजियम, वैली ऑफ फ्लावर, श्रेष्ठ भारत भवन, टेंट सिटी अन्य बड़े आकर्षण है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात 9:30 बजे संगठित भारत में युवाओं की भूमिका विषय पर एक विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम प्रसारित होगा। हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू और लखनऊ स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों पर सुना जा सकेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर श्री कोविंद ने विद्यार्थियों से देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्व स्तर का बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। एशियाई बाजारों में मिले जुले रुख के बीच बंबई शेयर बाजार में भी आज उतार चढ़ाव का रुख है। तीसरे पहर के कारोबार में संवेदी सूचकांक 105 अंक की गिरावट के साथ 33,961 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 27 अंक घटकर 10,223 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से संबंधित आदेश दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। दक्षिणी राज्यों में पटाखे चलाने का समय बदलने की छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दूरदर्शन समाचार की टीम पर नक्सलियों के हमले में 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 लोग शहीद हो गए हैं। इटली के प्रधानमंत्री जुसेप्पे कोंते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन कोचीन शिपयार्ड में देश की सबसे बड़ी सूखी गोदी का शिलान्यास करेंगे। और इंडोनेशिया में तलाश और बचाव दलों ने कल जावा समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का मलबा खोज निकाला है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।